इसके ऑयल कूलर को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे दो 13 नंबर के जो बोल्ट हैं उसे भी निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक सेंसर कनेक्ट है, इसको मैंने लूज कर लिया है। इस सेंसर को ओपन करेंगे और ये दो 8 mm के बोल्ट और ऊपर ये जो फाइबर आइटम लगा हुआ है ये सारी चीज़ें ओपन करना पड़ता है जब जाके ये निकलता है। तो क्यों ना इसे हम बाहर ले लेते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने को मिल सके। पहले मैं ये यहाँ से इसके पाइपलाइन को डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए एक ग्राउंड होता है यहाँ पे टाइट, इसे भी मैंने ओपन कर लिया और हर जगह पे पीतल के तांबे के वॉशर जो हैं वो खास ध्यान देना है। अभी इसके देखिए यहाँ पे ऑयल जो है, पता क्या चला कि सर्कुलेशन इसका एकदम सटीक है, ऑयल सर्कुलेट हो रहा है। मैंने इसकी जो ओपन करने का मेन सटीक जो मेरा रीज़न था ये देखना था कि कहीं बीच में से इसका जो है पाइपलाइन वो ख़राब तो नहीं है, डस्ट पार्टिकल फंसे तो नहीं, ये कहीं से ब्लॉक तो नहीं कर गया। बट अगर आप देखें तो ऊपर तक ऑयल आ रहा है, यानी इसका सर्कुलेशन सही है। बट ये इसका इंटेक सिस्टम है। आप चलिए इसके रेडिएटर को बाहर निकालते हैं और टेस्टिंग को अच्छे से जाँचते हैं। मैंने इसके ऑयल कूलर सिस्टम को बाहर ले लिया है। अब इसके अंदर से जो मेन टेस्टिंग करनी है कि ये जो बीच का लाइन कनेक्शन है वो क्लियर है या नहीं, तो उस चीज़ को जांच करने के लिए आपको इसके वर्किंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो देखें एकदम काफ़ी नॉर्मल है, इसके अंदर से दो पाइपलाइन कनेक्शन है, एक तरफ से इसका इंजन ऑयल आता है और यहाँ पे कूलिंग होने के बाद दूसरे तरफ से इसका जो है ऑयल फिर से इंजन ऑयल के इंजन के अंदर चला जाता है। अब ये तो पाइपलाइन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पाइप है ये इसके इनटेक सिस्टम के लिए है। यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ये देखें ये सेंसर, और इस साइड से इसके इस रेडिएटर ये जो ऑयल कूलर है इसके अंदर इंजन ऑयल जाता है और यहाँ से कूल होने के बाद इस साइड से चला आता है। अब बीच का ये सिस्टम चेक करना है कि इस साइड से तो ऑयल आ रहा है परफेक्ट, बट यहाँ से कूल होने के बाद अंदर जाता है या बीच में से कहीं से प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर हमें एक पाइप कनेक्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले इसके अंदर जितना भी इंजन ऑयल है वो जो निकल रहा है, इस सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं बाहर, फिर इसके अंदर पाइप को लगा के कैसे फूंक मार के चेक करना है वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर जितना भी इंजन ऑयल था वो निकल चुका है। अब इसी बाइक का एक पाइप इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और इस साइड से इसके अंदर फूंक लगाएंगे तो इसका पाइपलाइन जो क्लियर है या नहीं वो इस साइड से आपको दिखेगा। थोड़ा सा टफ हो जाता है इस चीज़ को बताना, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप अगर एक एक्सपर्ट मैकेनिक है, आपके पास रेगुलर इस तरह से बाइक पहुँचती है तो आपने काफ़ी समय इस चीज़ को उपयोग में लाया होगा और इसकी क्लीनिंग की होगी। अब देखिए यहाँ से मैं फूंक मारूँगा तो ये पाइपलाइन पता चलेगा कि रेडिएटर का बीच का जो पाइपलाइन है वो सही है या ख़राब। तो देखें मैं यहाँ से फूंक मार रहा हूँ तो इसका जो आउटलाइन वाला पाइप है यानी जो कूलिंग हो के इंजन ऑयल जाता है वहाँ से एयर जो इसके अंदर से निकल रहा है। मैं यहां से फूंक मारता हूं तो आपको इंजन ऑयल में जो हलचल देखने को मिलेगा, देखें पता क्या चल रहा है कि इसका जो सारा लाइन है वो एकदम क्लियर है एंड परफेक्ट है, इसका जो है ऑयल कूलर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ से मैं फूंक मारता और फूंक परफेक्ट तरीके से नहीं पहुँचता, जब इसके डीजल या किरोसिन से हम जो वॉश करते हैं इसके अंदर के सारे सिस्टम को, बट ये क्लियर है, गाड़ी भी हमारी कुछ खास किलोमीटर चली हुई नहीं है। अभी फिर से एक बार देख लें, यानी ये जो रेडिएटर का जो कंप्लीट लाइन है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसके आगे का प्रोसेस जो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसको हम असेंबल करते हैं। इसके अंदर से प्रॉब्लम नहीं, इसकी वॉशिंग की भी आवश्यकता नहीं।